जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं कि टू व्हीलर फोर व्हीलर यानी कि दो पहिया चार पहिया के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कितनी फ़ीस लगती है, ऑफिशियल फ़ीस कितनी लगती है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके संबंध में मुझसे पूछे जाते हैं, तो मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी सभी लोगों तक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, दो पहिया टू व्हीलर फोर व्हीलर चार पहिया दो चक्का चार चक्का के लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो लर्निंग लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस, मैं आपको दोनों की फीस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ऑफिशियल फीस के बारे में जानकारी दूंगा। इससे किसी थर्ड पार्टीज ब्रोकर या दलाल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उसका कोई वास्ता नहीं होगा। ये ऑफिशियल आरटीओ की फीस है। जितनी आपको रसीद आपको मिलती है वो फीस मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिशियल फीस कितनी होती है लर्निंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, टू व्हीलर फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसके संबंध में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो पर जुड़े रहिएगा, बीच में स्किप ना करें ताकि आपको कहीं पर और जाना पड़े जानकारी प्राप्त करने के लिए। और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, मेरी गारंटी। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप तक नई नई जानकारियाँ पहुँचाने के लिए। तो लाइक करके इस वीडियो को शेयर करिएगा और एवं इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलती है। ऑफिशियल आरटीओ की सर्टिफाइड खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी कभी कर लीजिएगा। आइए आपको जानकारी देते हैं। टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। इसके संबंध में बहुत सारे लोगों के यहाँ पर डाउट्स भी होते हैं कि फ़ीस कितनी होती है, कितनी फ़ीस पेमेंट करनी होती है ऑनलाइन, कितनी यहाँ पर आरटीओ में जमा करनी होती है, कैसे क्या प्रोसीजर है। पूरा मैं स्ट्रक्चर ही आपको बता देता हूँ लर्निंग लाइसेंस का, सबसे पहले बताऊँगा फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का बताऊँगा, तो दोनों बता दूंगा। तो पहले तो आप लर्निंग लाइसेंस के बारे में आप जानकारी सुनिए। अगर आप टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं लर्निंग लाइसेंस का, तो उसके लिए जो ऑफिशियल फ़ीस है वो 150 रुपये है, ठीक है। 150 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ यानी कि इक्वल टू 200, तो 150 रुपीज़ इसमें स्टैंड करता है आपका लर्निंग लाइसेंस टू व्हीलर के लिए इशू करने के लिए, और 50 रुपये टेस्ट फीस होता है, टोटल 200 रुपये है। अब फोर व्हीलर का लर्निंग लाइसेंस अगर आप बनवाना चाहते हैं तो फोर व्हीलर का लर्निंग लाइसेंस की जो ऑफिशियल फ़ीस है वो भी 150 रुपये प्लस 50 रुपये 200 रुपये है, टोटल 200। इसमें 150 रुपये फोर व्हीलर लर्निंग लाइसेंस इशू करने की फ़ीस है और 50 रुपये आपका जो टेस्ट देते हैं कंप्यूटर टेस्ट वहाँ पर, या फिर घर बैठे जो टेस्ट देते हैं कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल फोन पर, उसकी फ़ीस है। तो टोटल हो गए यहाँ पर 200 रुपये। अब ये दोनों आप ध्यान सुनिए, अगर सेपरेटली बनवाते हैं तो 200 प्लस 200 इक्वल टू 400, 400 रुपये आपको लगनेंगे। लेकिन अगर ये दोनों आप एक साथ आवेदन करते हैं, MCWG यानी कि LMB यानी कि दो पहिया चार पहिया का लाइसेंस एक साथ बनवाते हैं, तो 150 प्लस 150 और प्लस 50 टोटल हो गए 350 आपकी ऑफिशियल फीस होगी। 350 रुपये आपको रसीद मिल जाएगी, आपके पास टू व्हीलर फोर व्हीलर का लर्निंग लाइसेंस आ जाएगा इतने में। इसमें 150 रुपये टू व्हीलर इशू करने की और फोर व्हीलर इशू करने के लिए जो ऑफिशियल लर्निंग लाइसेंस फीस वो 150, 150 प्लस 150 50 रुपये टेस्ट फीस, यानी कि इस दशा में आपका 50 रुपये का शुद्ध आपको लाभ हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। अगर 350 रुपये अगर आप सेपरेटली बनवाते हैं तो 400 रुपये, और अगर आप कंबाइंडली बनवाते हैं तो 350 रुपये लर्निंग लाइसेंस आपका बन गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हमारा। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में, जो कि है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का। तो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस बनवाने के आप 30 दिनों के बाद में कभी भी बनवा सकते हैं, 6 महीने के अंदर। 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए, उसके बीच में ही होना चाहिए परमानेंट लाइसेंस आवेदन करने की जो तिथि होती है लर्निंग के बाद में। अब आपके पास लर्निंग लाइसेंस है और अगर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो फीस ध्यान से सुनिएगा। टू व्हीलर के केस में बताऊंगा सबसे पहले और उसके बाद फोर व्हीलर के केस में। तो टू व्हीलर का परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो ऑफिशियल फीस है वो ध्यान से सुनिएगा, 200 ड्राइविंग लाइसेंस इशू फीस है, 200 वहाँ पर फॉर्म नंबर 7 की फीस है, 200 माफ कीजिएगा 300 रुपीज़ टेस्ट फीस है जो आप प्रैक्टिकली टेस्ट आरटीओ में जाकर देते हैं, और 100 रुपये रोड सेफ्टी की फीस है, 50 रुपये पोस्टल फीस है, समझ रहे हैं आप। टोटल हो गए 850 रुपये, आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो गया कंप्लीट। 850 रुपये में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टू व्हीलर का आपके पास आ गया।
अब फोर व्हीलर में क्या होगा, फोर व्हीलर की जो ऑफिशियल फीस है वो ध्यान से सुनिए, परमानेंट लाइसेंस बनवाने की। तो आप अगर चार पहिया कार का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको 200 रुपये ड्राइविंग लाइसेंस इशू फीस हो गई, 200 रुपये फॉर्म नंबर 7 स्मार्ट कार्ड की फीस हो गई, 300 रुपये आपके ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की फीस हो गई, और वहाँ पर 100 रुपये रोड सेफ्टी की फीस हो गई, एवं 50 रुपये आपकी पोस्टल फीस हो गई, टोटल हो गए 850। तो दोनों को अगर आप कंबाइंडली बनवाएंगे तो अब मैं बताता हूँ कितनी फीस लगेगी। सेपरेटली तो मैं आपको बता दिया कि 850 और 850 टोटल हो गए 1700 रुपये, समझ रहे हैं आप। तो 1700 रुपये आपका तब लगेगा 850 प्लस 850 जब आप वहाँ पर सेपरेटली यानी कि पहले टू व्हीलर का बाद में फोर व्हीलर का बनवा रहे हैं तो अलग अलग 850 रुपये टू व्हीलर का फीस है ऑफिशियल और 850 रुपये यहाँ पर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस फोर व्हीलर की फीस है। अब बढ़ते हैं हम अपने यहाँ पर कंबाइंड लाइसेंस पर। जब अगर आप दोनों को टू व्हीलर फोर व्हीलर के जैसे हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था वैसे अगर आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो कितनी फीस लगेगी। देखिए जो परमानेंट लाइसेंस की फीस है ऑफिशियली अगर आप कंबाइंडली बनवाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाती है। रिलीफ ऐसे मिलती है कि 200 रुपये आपके DL इशू करने की फीस है, 200 रुपये आपके फॉर्म नंबर 7 की फीस है, 300 रुपये रोड सेफ्टी की फीस हो जाएगी, 100 रुपये यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 100 रुपये रोड सेफ्टी की फीस है और 300 रुपये वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की फीस है, 50 रुपये पोस्टल फीस है। टोटल हो गए यहाँ पर आपके फॉर्म नंबर 7 की फीस जो है वो 200 रुपये, टोटल 1050 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाला है। फिर से बताता हूँ फीस कैसे है। 200 ड्राइविंग लाइसेंस इशू फीस है टू व्हीलर की, 200 रुपये फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस इशू फीस है, 300 रुपये रोड से टेस्ट देने की फीस है, 100 रुपये रोड सेफ्टी की फीस है, 200 रुपये फॉर्म नंबर 7 की फीस है, 50 रुपये पोस्टल फीस है। तो यहाँ पर टोटल हो गए 1050 रुपये। 1050 रुपये में टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर की ऑफिशियल फीस आपको मिल गई है। इतनी फीस आपको देनी है RTO में तब आपके पास दो पहिया चार पहिया का परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर आप अलग अलग बनवाते हैं तो वहाँ पर आप, मैंने कैलकुलेट करके बताया था, टोटल 1600-1700 रुपये ऑफिशियल फीस आपको देनी पड़ सकती है। साथ में बनवाएंगे तो टोटल 1050-1100 रुपये हो सकती है इतनी फीस। तो ये हो गई ऑफिशियल फीस परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की, दो पहिया एवं चार पहिया की। अब ध्यान सुनिए, ये जो फीस है ये बहुत सारे स्टेट्स को मैंने समराइज करके आपको बताई हुई है, यह आइडियल फीस है। किसी किसी स्टेट्स में फीस वैरी कर सकती है, फ्लैक्चुएट कर सकती है, क्योंकि यह डिपेंड होती है स्टेट पर, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर। तो स्टेट यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने की फीस को अपने ऊपर, उसके ऊपर होता है, वहाँ पर फीस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आइडियल फीस यही है सभी राज्यों में, या आप ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ राज्यों में फीस वैरी कर सकती है, ये भी मैं कह रहा हूँ, ये कोई गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ कि इतनी ही फीस हर एक राज्यों में, लेकिन जो अमूमन आइडियल फीस है सभी राज्यों को मैंने समराइज़ किया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की, तो ऐसी इतनी ही फीस है यहाँ पर, आपको मैं एक जानकारी दे देता हूँ। तो ये हो गई ऑफिशियल फीस की बात, लर्निंग एवं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की, दो पहिए एवं चार पहिए। कभी मैंने कोई डाउट को कोई आपके मन में हो, कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, या फिर पर्सनल एडवाइस दीजिए, सजेशन दीजिए। इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हम अवेलेबल हैं आपके लिए सेवा में, @TechnicalAlokji हमारा हैंडल है। टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, फॉलो करिए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए। ट्विटर पर अपने क्वेश्चन को लिखकर हमें टैग कर दीजिएगा @TechnicalAlokji, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया हैंडल्स लिंक दे रखा है। नए चैनल को भी प्यार दीजिएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, अगर भी तो इतना लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस RTO की फ्यूचर में भी आपको मिलती रहें, कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।